कोई आवेदन बाहर नहीं फेंका है। उदयपुर जिले के लसाड़िया ग्राम पंचायत क्षेत्र में तुगलकी फरमान से एक बुजुर्ग को पंचों ने समाज से बाहर करते हुए उसका समाज में खाना पीना एवं आना जाना ही बंद करने का फैसला सुना दिया तथा आर्थिक दंड से भी दंडित कर दिया, जिससे परेशान हो लसाड़िया पंथफला निवासी बबरू लाल मीणा ने कानोड़ स्थित न्यायालय की शरण ली है। लेकिन लसाड़िया पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और परेशान बुजुर्ग न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आपके टीवी पर दिखाई दे रहा ये बुजुर्ग गांव की पंचायत द्वारा सुनाए गए एक तुगलकी फरमान का शिकार हुआ है। पीड़ित बाबरू मीणा की माने तो गांव के पंचों ने ना सिर्फ उसे जात बिरादरी से बाहर कर दिया है बल्कि उस पर आर्थिक दंड लगाया और उसे वसूल भी कर लिया, लेकिन यह बुजुर्ग अभी भी समाज से बाहर होने का दंश लिए जी रहा है। यही नहीं, इन पंचों ने समाज में इस शख्स का आना जाना और खाना पीना भी बंद कर दिया है। पीड़ित ने न्यूज 91 को बताया कि वह लसाड़िया के पंथफला में निवास करता है और गांव के पंच पटेलों ने मिलकर एक समूह बना रखा है। इस समूह में राज्य में स्थापित कानून के समान कानून व्यवस्था लागू कर रखी है। पंचों ने कुछ दिनों पूर्व आमलिया बावजी चौराहे पर इकट्ठा होकर इन्हें व इनके परिवार के सदस्यों को बुलाया तथा कहा कि तेरे लड़के ने हम लोगों से बिना पूछे कैसे शादी कर ली, तुम तथा तुम्हारे परिवार के सदस्य हम पंचों का कहना नहीं मानते हो, इसलिए तुम्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है। साथ ही 50,000 रुपए का अर्थ दंड भी सुना दिया गया। पूरे मामले की रिपोर्ट कानोड़ न्यायालय में 9 अप्रैल को दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है तथा पुलिस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में है। यही और पीड़ित से पैसों की मांग भी कर रही है। पंचों ने निकाला ये ढोंगला होंगला दूधा खुमा। कौन सी जाति के बाप? मीणा। मीणा जाति के बाप। कहाँ कहाँ के पंच थे? पंच लसड़िया के। लसड़िया के पंच थे? इन्होंने जात बाहर निकाल दिया आपको हैं? तो पुलिस अब कहीं बुला नहीं रहे आपको? नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम में कहीं नहीं बुला रहे? मेरे को नहीं बुला रहे, पर मेरा भाई को नहीं, सरपंच साहब को किसी को नहीं बुला रहे। पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ। फिर क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की? आप किसके पास गए पुलिस थाने में? थंदर के पास। क्या कहते हैं वो? कर रहे हैं। कोई पैसे वैसे मांगे आपसे? मांगा। कितने पैसे मांगे? 10,000। बोल 10,000 मांगे। किसने मांगे? थंदर ने। इसी थंदर ने। अभी जो है वो? हाँ। आपने क्या कहा फिर पैसों के लिए? मेरे पास पैसे नहीं, कार्रवाई कर, ये मत कर। अच्छा, तो 50,000 रुपए कहाँ से दिया ना पंचों को फिर? कैसे नहीं? 50,000 रुपए मैं सोरा कमा दिया है चार। अच्छा, पंचों को दिए? हाँ। तो भी निकाल दिया तुम्हें जाति बार? हाँ। मेरे भाई ने जो कानोड़ न्यायालय में जो मुकदमा दर्ज कराया, 10 जो आदमी है हमारे यहाँ के पंच है, उन्होंने अमले बाबजी के स्थान पे, जो हमारे गांव का उसका माना हुआ स्थान कहते हैं, उस पे 50,000 रुपए भी ले लिए और मेरे भाई को भी जात खिलाफ कर दिया और हम सबको भी जात खिलाफ कर दिया। उसका हमने कानोड़ न्यायालय में जो मुकदमा दर्ज कराया, जो SSO थाना लसड़िया द्वारा, आज दिन तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किए गए हैं और आज दिन तक कभी CLG की मीटिंग में नहीं बुलाता है और हमारी भोली भाली जनता को अनावश्यक यथानदार लूट रहा है। अच्छा, शीघ्र इसकी कानूनी कार्रवाई की जाए और कोर्ट में जो केस चल रहा है उनको सालान दिया जाए और हमारे यहाँ ये थानदार हर व्यक्ति को परेशान कर रखा है। राजस्थान सरकार की ओर से जल्द ही 2012 में रिक्त रहे सफाई कर्मी की भर्ती के लिए आवेदन मांगे